हेलो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज का जो अपना टाइटल होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किस पे बेस्ड होने वाला है? आपके पास टोटली मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड होने वाला है। ओके, सो अपन पूरी बातें करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपना पूरा एक सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम दीप्तांशु चौबे। ओके, AIR 157 एंड 186। फाइन, AIR 157 एंड 186, एंड आई हैव क्रैक मल्टीपल पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट। दिस इज फ्यू ऑफ माई सब्जेक्ट दैट आई विल बी टेकिंग, एनालॉग नेटवर्क कंट्रोल पावर सिस्टम मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, एंड दिस इज माई कोड DC सर 01। दिस इज माई कोड DC सर 01 एंड यू कैन गेट 10% ऑफ ओवर हियर। यहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। आपको कहाँ कहाँ इस कोड को यूज करना है? अगर आपको अपना एक फ्री स्पेशल क्लास अनलॉक करना है, ठीक है, लाइक यू आर प्लानिंग टू अनलॉक व्हाट, आपको एक क्विज अनलॉक करना है, ठीक है, ठीक है, या आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ना यूज दिस कोड। ओके, आप अगर कॉम्बैट देना चाहते हैं, आज 11 बजे है कॉम्बैट, ठीक है, तो अगर आप कॉम्बैट देना चाहते हैं तो कॉम्बैट में भी आप इसके हेल्प से क्या करें, आप कॉम्बैट में भी इसके हेल्प से रजिस्टर कर लें। ठीक है, कॉम्बैट में भी आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बैट में भी आप इसके हेल्प से रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख गया यहाँ पे। ठीक है सर, हम लेंगे अगर प्लस और आइकॉनिक तो सर व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्लस का, तो हियर यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, ठीक है, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश एंड हिंदी एंड योर रैंक इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस में लाइव क्लास मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, इंग्लिश हिंदी मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में क्या है कि आपको जो जो भी प्लस में मिलता है ना, आइकॉनिक में वो सब मिलेगा आपको जो प्लस में मिलता है, प्लस स्पेशल फीचर्स। ठीक है, प्लस सम स्पेशल फीचर्स दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, वो क्या होगा? पर्सनल कोच, ठीक है, स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा। और दिस इज योर लाइक आपके पास 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि 12 मंथ की जैसे मैं बात करता हूँ, तो अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो गो फॉर दिस 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, है ना। बीच में आपका 4-1-5 महीना निकल गया तो यू कैन गो फॉर 18 मंथ ऑल्सो, या आपका टारगेट गेट के बाद और भी कुछ कुछ एग्जामिनेशन है तो भी आप 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फॉर प्री फाइनल ईयर, एकदम ग्रैंड प्लान कर लीजिए आप। ठीक है, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, सारी कॉस्टिंग वगैरह लिखी हुई है, सेम गोज विद आइकॉनिक ऑल्सो, है ना। प्राइस हाइक आने वाला है आइकॉनिक में, तो प्राइस हाइक है कल से, तो आप प्लीज जल्द से जल्द ये कोड यूज करें DC01 और आप उसको 10% ऑफ में ले लें, तो आपका प्राइस हाइक भी जो होगा वो भी बच जाएगा और सारी चीजें आपकी बच जाएंगी। ठीक है, अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर आपको पता है कि आप कहीं पे भी डाउट पूछ सकते हैं, कितने भी डाउट पूछ सकते हैं, सारे के आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेंगे, आपके होमवर्क असाइनमेंट के लिए एक असिस्टेंस भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे बैचेस हैं आपके पास जो चल रहे हैं, वर्ब बैच चल रहा है आपके पास, ठीक है, स्पार्क बैच, सॉरी वर्ब बैच चल रहा है DEEC के लिए, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस चल रहे हैं बाइलिंगुअल DEEC के लिए, यू नो द फीचर्स ऑफ स्पेशल क्लासेस, इसको आप किसी भी कंडीशन में मिस ना करें, लाइक योर इंटरक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, रेज अ हैंड का फीचर है, नेवर मिस अ क्लास अपडेट है, लेक्चर नोट्स है आपके पास, ठीक है, एनी टाइम एनी वेयर यू कैन
एक्सेस, ठीक है। एंड दिस इज कॉम्बैट, कॉम्बैट के बारे में मैं बताऊं आपको, तो आज 11 बजे 31 अक्टूबर है, आज 11 बजे आज आपका कॉम्बैट है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट वीकली कंपटीशन है, एक्सेस ईयर गेट प्रिपरेशन 60 मिनट्स, चैलेंजिंग एंड ओरिजिनल गेट क्वेश्चन, ठीक है। टेक इट लाइव टू कंपेयर विद द बेस्ट, ठीक है, टेक इट लाइव टू कंपेयर विद द बेस्ट, सुपर फास्ट एंड फन विद ऑल इंडिया लीडर बोर्ड, एंड आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव योर वीक एरियाज थ्रू डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन, एंड 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर आज जो है 11 बजे ये है, तो उस पर आप प्री में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड DCSIR01, ठीक है। आपको पता है कि 4 मंथ का एक आपके पास पैकेज है गेट के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। 4 मंथ का आपके पास है ये टोटल, तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 17999 का है। इसमें वॉट इज गोइंग टू हैपन कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे DCSIR01, है ना, तो आपका 17999 में आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, और 4 महीने में एक एक्स्ट्रा मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो देयर आर टू वे थिंग्स, है ना, जिसको आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर। तो अगर आपको टेलीग्राम में कनेक्ट होना है क्रिएट्रिक्स से, तो ये क्रिएट्रिक्स का लिंक है आपके पास, मुझसे कनेक्ट होना है तो यू कैन गो फॉर दिस, है ना, दीप्तांशु _ चौबे, ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया, है ना। तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो, दीस आर ऑल दी थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, है ना। तो ये आपका हो गया, फाइन। हाँ भाई, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइन। तो ये अपने को देखने को मिल गया, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ से बात करना चालू करने वाले हैं, ओके। अब देखिए, अगर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करना चालू करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिससे ना आपके पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, और मैथमेटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज भी होती है आपके पास, ठीक है। यार तमन्ना बचा ही क्या है मेजरमेंट में, है ना, थोड़ा सा डीवीएम का पार्ट बचा है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आज करा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी करा दूंगा, किलोमीटर भी करा दूंगा, तो अगले 2 से 3 दिन में मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपने पिछला प्लेलिस्ट भी पूरा, मतलब जो स्टार्टिंग से देखा हुआ है पिछला प्लेलिस्ट, तो भी आपका पूरा काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ आपका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ कि आपके पास मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये मैंने हेडिंग डाल दिया, दिस इज द हेडिंग ऑफ व्हाट, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो सी हाउ थिंग्स विल बी गोइंग ऑन, अगर मैं बात करता हूं आपसे किसकी, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। सबसे पहले तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में ना आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस को क्लासिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस वैसे नहीं होने वाले हैं जैसे हम लोग यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी में देखते थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हियर देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, जिसको अपने को यहाँ पे देखना है, जिसको अपने को यहाँ पे समझना है, और उसके बाद फिर अपने को आगे अपना प्रोसीड करता जाना है। तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपको बता दूं मैं, जैसे व्हेनेवर आई थिंक अबाउट रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर सकता हूं 3 कैटेगरी में, डिफाइन तो नहीं कर रहा हूं अभी, क्लासिफाई कर सकता हूं 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो वो 3 कैटेगरी क्या होती है, एक तो होता है आपका लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, एक होता है आपके पास मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है, एक हो गया लो रेजिस्टेंस, एक हो गया आपके पास क्या मीडियम रेजिस्टेंस, एक हो गया आपके पास हाई रेजिस्टेंस, एक हो गया आपके पास क्या हाई रेजिस्टेंस, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर हाई रेजिस्टेंस,
ये ऐसा होगा, आपके पास एक हो गया मीडियम रेजिस्टेंस, एक हो गया लो रेजिस्टेंस, एक हो गया आपके पास हाई रेजिस्टेंस। सो देर आर ओवरऑल देर आर लाइक थ्री कैटेगरीज ऑफ रेजिस्टेंस, एक हो गया लो मीडियम हाई, तो ऐसा करके आपके पास तीन कैटेगरी यहाँ पे रेजिस्टेंस का आपको देखने को मिल जा रहा है। ओके, सो बेसिकली वी आर फाइंडिंग दिस थिंग्स, है ना। अब हमको इन तीनों को मेजर करने का अलग अलग टाइप का टेक्निक होगा, जिस टेक्निक से लो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं उस टेक्निक से हाई को नहीं कर सकते, है ना। एंड आपको बता दूं कि मोर ओवर जो आप अपने नेटवर्क वगैरह में रेजिस्टेंस वगैरह देखते हैं दैट लाइज अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकंड पॉइंट दैट इज योर मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। किस कैटेगरी में लाई करता है ये, आपके पास मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में लाई करता है, है ना। किस कैटेगरी में लाई करने वाला है ये, आपके पास मीडियम रेजिस्टेंस के कैटेगरी में लाई करने वाला है, ये आपको पता रहे, ठीक है, कि दिस इज गोइंग टू लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ योर मीडियम रेजिस्टेंस, है ना। ये आपको देखने को मिल गया, है ना। अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे बात करूँ तो मैं एक एक करके यहाँ पे क्लासिफाई करना स्टार्ट करता हूँ, क्या होता है कैसे होता है, बिकॉज लो रेजिस्टेंस तो आपने आज तक सुना ही नहीं होगा, इससे पहले आपने कभी भी कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको लो रेजिस्टेंस एनकाउंटर करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहीं पर लो रेजिस्टेंस एनकाउंटर करने को मिला होगा, तो लेट्स सी कि वॉट इज योर लो रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ आपके पास, क्या लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पे आपसे, किसकी बात करता हूँ आपके पास लो रेजिस्टेंस, किसकी बात करने वाला हूँ मैं आपके पास यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लो रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो लो रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, जैसे कि हम लो रेजिस्टेंस क्लासिफाई करने की बात करते हैं, ठीक है, तो रेंज कैसा होगा आपके पास लो रेजिस्टेंस का, है ना। रेंज सबसे पहले बताता हूँ आपको, रेंज किस रेजिस्टेंस को अपन लो रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ लो रेजिस्टेंस के लिए, जस्ट रेंज की बात करता हूँ, ठीक है, तो रेंज कैसा होने वाला है, रेंज होने वाला है आपके पास एक ओम से छोटा, है ना। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिनोमिना है, अगर आपका रेंज यहाँ पे वन ओम से छोटा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का रेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो वन ओम से छोटा है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास वन ओम से छोटा है, इसका मतलब उसको हम लोग लो रेजिस्टेंस के इसमें कैटेगराइज करेंगे कि अच्छा ये लाई कर रहा है आपका लो रेजिस्टेंस के रेंज में, ठीक है। तो ये आपको पता रहे कि वन ओम से छोटा होना अपना एक प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट है, अपने लिए बहुत जरूरी है कि अपन क्या बात करें, अपन बात करें कि अच्छा ये लो रेजिस्टेंस है, वन ओम से छोटा होगा, ठीक है। सर हमको ये कहाँ देखने को मिलेगा, किस किस जगह पे हम लोग एनकाउंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दूं आपको लो रेजिस्टेंस का, है ना, कि ये कहाँ अपने को देखने को मिलेगा, या कोई हमसे पूछता है कि चलो ठीक है आपने बता तो दिया, है ना, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके पास लो रेजिस्टेंस के, एग्जाम्पल आप हमको बता दीजिए ये सब, है ना, अगर कोई बात करता है तो। व्हाट एल्स से अगर हम जैसे लो रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा अमीटर रेजिस्टेंस, अमीटर हम क्या बात करते हैं भाई, अमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम छोटा से छोटा होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो अमीटर रेजिस्टेंस एक एग्जांपल होता है, वन ओम से छोटा हो जाता है, ठीक है, अच्छा। और अगर आपको बोलूं मैं तो आपको ना डीसी मशीन्स में इसको एनकाउंटर करने को मिलेगा, ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूंगा आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो आपके डीसी मशीन में होता है, इसको मैं इस कैटेगरी में काउंट कर पाऊंगा कि अच्छा ये ऐसा होता है आपके पास, तो आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, और डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। डायोड की तो दो कैटेगरी होती है, एक रिवर्स बायस होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है। डायोड की तो दूसरी कैटेगरी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो इन सारे कैटेगरी में आपके पास क्या आएगा, इन सारे कैटेगरी में आपके पास ये, जैसे इसको तो मैं डीसी मशीन का एग्जांपल बोल दूंगा, डीसी मशीन्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, डीसी मशीन्स में। तो ये आपको दिख गया लो रेजिस्टेंस का एग्जांपल, दिस इज हाउ वी गो फॉर दी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा सर, लो रेजिस्टेंस अपने लिए स्पेशल क्या है, क्या हो गया ऐसा अपने पास लो रेजिस्टेंस है कि इसको अपन थोड़ा सा ऐसा स्पेशल काउंट कर दे रहे हैं, ये किसी के माइंड में आ सकता है ना, कि लो रेजिस्टेंस अपने लिए क्या हो गया ऐसा, है ना, कि जिसको अपन लोग स्पेशल काउंट कर दे रहे हैं। एक्चुअली इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही डिफरेंट है ना, क्योंकि ये क्या दिख रहा है अपने को, क्योंकि ये दिख रहा है अपने को कि भाई वन ओम से भी छोटा है ना, हाँ ठीक है। 28 लेक्चर ब्रिज तक मैराथन वाला नहीं देख पाए हैं, हाँ तो मैराथन वाला देखने के लिए आप कर लो, ठीक है।
पूरा देखें प्लेलिस्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं, खत्म हो जाएगा डीवीएम। मतलब बोला है आपको डीवीएम का एक और सेशन होगा आपके पास, ठीक है। और क्या हो गया भाई, हाँ ऑल द सेशन टेकन में मेजर प्रोटोकॉल गिव्स में व्हाट अबाउट प्लीज टेक अ क्वेश्चन 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 मैंने काफी कुछ कराया हुआ है ना। हाँ रवि सफिशिएंट है, वो रवि सफिशिएंट है एकदम। पीवाईक्यू सीरीज में लाऊंगा तो पीवाईक्यू सीरीज को आप प्लीज देख लें, ठीक है। ठीक है सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा, सब कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलिए ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग, है ना। देखो सिंबॉलिक मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि भाई सिंबॉल क्या होने वाला है इसका। इसकी बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, सिंबॉल की बात करने वाला हूँ। सिंबॉल की बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये इसकी सिंबॉल की बात करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंबॉल की बात करता हूँ तो देखो, जैसे मैं सिंबॉल बनाता हूँ आपके पास, है ना। देखिए जैसे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो क्या है कि एक जैसे मैं रेजिस्टेंस बना देता हूँ, चलो यहाँ पे, है ना, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है अपने पास, ये ऐसा ऐसा आप रेजिस्टेंस को देखते हैं, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस आपके पास लो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या आपके पास लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो लो रेजिस्टेंस है ना, आपके पास आएंगे हमेशा चार टर्मिनल। देखो एक टर्मिनल तो दो टर्मिनल हो गई ये, ठीक है, और दो टर्मिनल हो गए ये यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा। ये आपके पास दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल गए, ठीक है। ये ऐसा, ये हो गया आपके पास, दिस इज योर सिंबॉल, ठीक है। अभी देखो सर चार सिंबल अपने को क्यों देखने को, देखो जैसे कि ये जो आपका है ये रेजिस्टेंस है, केवल इतना पार्ट को मैं लो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस का वैल्यू खुद में कैसे है, लो रेजिस्टेंस का वैल्यू खुद में 1 ओम से कम है, 1 ओम से कम है तो मैं जस्ट एक नंबर मान लेता हूँ आपके पास की 0.8 ओम है, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट भी तो एक वायर है, कॉपर का वायर है। अगर इतना पार्ट और इतना पार्ट भी आपको कॉपर का वायर देखने को मिल रहा है, किसका वायर देखने को मिल रहा है आपको, कॉपर का वायर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये कॉपर का वायर है तो कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम तो होगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना, आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा आपके पास। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करना, इन दोनों पॉइंट में रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 2 ओम और 2.8 ओम हो जाएगा। इस कारण क्या करते हैं, हमेशा चार टर्मिनल का बनाया जाता है लो रेजिस्टेंस को, ठीक है। उसमें से इसको हम क्या बोलते हैं जो आपके पास यहां पे बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं करंट टर्मिनल, और इसको हम बोलते हैं वोल्टेज टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसा करके आपके पास चार टर्मिनल का फिगर बनता है, क्या बनता है आपके पास चार टर्मिनल का फिगर आपके पास ओवरऑल बनता है यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया करंट टर्मिनल, ये हो गया आपके पास वोल्टेज टर्मिनल, ये ऐसा आपको देखने को मिल गया, करंट टर्मिनल एंड वोल्टेज टर्मिनल, ठीक है। तो आपके पास बहुत बार पूछेगा ऐसा आपसे कि भाई विच रेजिस्टेंस इज एग्जाम्पल ऑफ अ फोर टर्मिनल रेजिस्टेंस, है ना। तो आपको बताना है कि लो रेजिस्टेंस इज एग्जाम्पल ऑफ फोर टर्मिनल रेजिस्टेंस, ठीक है। लो रेजिस्टेंस इज व्हाट, लो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट योर एग्जाम्पल ऑफ फोर टर्मिनल रेजिस्टेंस, है ना। ऐसा आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं क्या फोर टर्मिनल का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको पता रहे, है ना। तो फोर टर्मिनल रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा, फोर टर्मिनल के रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल होगा आपके पास ये आपका, क्लियर, सबको क्लियर हो गया कि फोर टर्मिनल का रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो आपको बता रहे एक पॉइंट लिख भी देता हूँ, गेट में आया भी हुआ है ना, स्पेस नहीं है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूँ, लो रेजिस्टेंस हैज फोर टर्मिनल, है ना। इसी कारण मैं आपको बोला भी था कि आपने अभी तक अपने नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी, बाकी सब जगह क्या देखा है, बाकी सब जगह आपने ना
केवल और केवल आपका मीडियम रेजिस्टेंस देखा हुआ, बट एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअली आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो आपके पास फोर टर्मिनल का रेजिस्टेंस होता है। किसका रेजिस्टेंस होता है आपके पास, वो सॉरी लो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके पास फोर टर्मिनल का रेजिस्टेंस होता है। बाकी सब सब्जेक्ट में जितना भी हमने देखा है वो सब किस कैटेगरी में लाई करता है, वो सब लाई करता है आपके पास इन दी आई से कैटेगरी ऑफ व्हाट, वो सब लाई करेगा आपके पास किसके कैटेगरी में, वो सब लाई करेगा आपके लिए इन कैटेगरी ऑफ योर मीडियम रेजिस्टेंस जो अपन नेटवर्क में देखते हैं। ठीक है, अच्छा मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं बताता हूँ मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस करने के दो तरीके हैं, मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मेथड किस किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस ही, तो मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस में क्या बोलूंगा, सबसे पहले आई विल कॉल इट एज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस सबसे पहला क्या आ गया, पोटेंशियोमीटर आ गया। अगला क्या आएगा आपके पास, केल्विन डबल ब्रिज। अगला क्या आएगा आपके पास, केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास यहां पे, ऐसा आपके पास मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के टेक्निक्स आ गए। ठीक है, तो इनको अपने को सबसे पहले पढ़ना होगा कि अच्छा भाई आपका लो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है, इनको अपन कैसे स्टडी करेंगे, तो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू स्टडी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट दिक्कत समस्या तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि यस सर अपने को ये डाउट है, ये दिक्कत है ना, तो आई एम देयर टू आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पे स्पैमर्स हैं उनको आप निगलेक्ट कीजिए, है ना, और बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस अगर लगता है तो आप पूछिए, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट करता हूँ, अदरवाइज फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आपके पास आराम से आपका ये वाला टॉपिक के पोटेंशियोमीटर से कैसे अपन यहाँ पे मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज पोटेंशियोमीटर फॉर योर मेजरमेंट, है ना। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ठीक, इसके बारे में अपन बात करते हैं, है ना। तो जैसे मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं, सबसे पहले क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर चलिए अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं, है ना, तो उस पर अपन डिस्कशन करते हैं पोटेंशियोमीटर कैसे अपन यहाँ पे। देखो बहुत ही मैं आपके पास एक सिंपल सा फिगर बनाने वाला हूँ फॉर पोटेंशियोमीटर, तो आप ध्यान से देखते जाएं। यस, ठीक है, वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग पोटेंशियोमीटर, है ना। देखिए दो मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिए, ठीक है, चलो आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस पोटेंशियोमीटर एंड ऑल थिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फिगर ले लिया बहुत सिंपल सा, ये हो गया मेरे पास V, एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई सोर्स दे दिया मैंने, एक यहाँ पे रख दिया मैंने R, ठीक है, एक मैंने रख दिया R, R के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, उसको मैं VR बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ S, और S के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, उसको मैं आपके पास VS बोल दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर VS, ठीक है, और करंट कैसा है अपने पास, करंट इस आई,
करंट कैसा दिख रहा है अपने को, करंट यहाँ पे अपने को आई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आर इज अननोन रेजिस्टेंस, आर आर इज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी ओके बोलो सर, आर तो आपने पढ़ाया था सर चार टर्मिनल का है करके, हाँ चार टर्मिनल का है ना, लेकिन अपने को यहां से बाहर निकला हुआ टर्मिनल कौन सा दिख रहा है, बाहर निकला हुआ टर्मिनल अपने को दिख रहा है आपका क्या, बाहर निकला हुआ टर्मिनल हमको दिख रहा है यहाँ पे आपका वोल्टेज टर्मिनल, बाकी करंट टर्मिनल कनेक्टेड है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो आर इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मतलब क्या, अननोन रेजिस्टेंस मतलब आपका लो रेजिस्टेंस, ठीक ये ऐसा, आर इज अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो सकता है, अननोन रेजिस्टेंस का मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, ठीक है। एस इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलूंगा मैं, एस इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एस आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को भी कॉल इट एज नोन रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। एक हो गया आपके पास आर इज अननोन रेजिस्टेंस, एस को हम लोग क्या बोलेंगे, एस को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और वी आर और वी एस दोनों जो है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, वी आर और वी एस दोनों को हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, वी आर एंड वी एस दोनों वोल्टेज का जो नंबर है, वी आर एंड वी एस आर मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, वी आर एंड वी एस आर मेजर्ड बाय वॉट, वी आर एंड वी एस आर मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आई का वैल्यू कैसा लिख सकता हूं, देखो आई के दो वैल्यू लिखने पॉसिबल है, एक तो क्या वी आर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय एस, ये सब हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो दोनों आई ही तो है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर डिवाइडेड बाय आर एंड वी एस डिवाइडेड बाय एस। अब देखो वी आर और वी एस दोनों को तो अपन मेजर कर लेंगे किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से मेजर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आर का वैल्यू आपका आएगा कैसे, देखो आर का वैल्यू आपका आएगा कैसे, ठीक है। आर का जैसे आप वैल्यू निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आर विल कम आउट टू बी एस है ना मल्टीप्लाइड बाय वी आर डिवाइडेड बाय वी एस, ऐसा आपको आर का नंबर देखने को मिलेगा, ऐसा आपको आर का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पता रहे कि अच्छा आर का नंबर अपने को कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है क्या, ठीक है। तो यस इस टाइप का अपने को आर का नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको आर का नंबर देखने को मिल गया, क्लियर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप जैसे आर का नंबर जानते हैं है ना, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट थिंग इज योर क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर, है ना। अभी तक मैं पोटेंशियोमीटर बनाया नहीं, आपको मैं एक बेसिक प्रिंसिपल बताया पोटेंशियोमीटर से कैसे आपका मेजरमेंट वगैरह परफॉर्म होता है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जस्ट मैंने क्या कर दिया, इसके लिए जस्ट मैंने आपको एक बेसिक सा प्रिंसिपल बताया कि चलो भाई इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है, दिस इज व्हाट आई ट्राइड टू टेल यू, ठीक। चलिए अब मैं जैसे बात करता हूं यहां पे पोटेंशियोमीटर कौन कौन से होते हैं, देखो दो टाइप के पोटेंशियोमीटर होते हैं, एक होता है आपका क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एक होगा कि आपके पास क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और अगला क्या होगा आपके पास स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, ठीक है, स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, दो टाइप के पोटेंशियोमीटर होते हैं, एक होता है क्रॉम्पटन, एक होता है आपके पास स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब तक मैंने आपको कुछ नहीं कराया है, अब तक केवल मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अब तक केवल मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल बताया है, अभी इन सब की हेल्प से मेजरमेंट कैसे परफॉर्म होगा ये अपन देखते हैं। तो देखो इस फिगर को ले लिया और इस फिगर में लिखा भी हूँ एक चीज आपके लिए, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने इस फिगर में एक चीज लिखा भी है कि जो आपका वी आर और वी एस है इसको पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, करेक्ट है ना। तो देखो ये लिखा भी हुआ है वहां पे, है ना, कि उसको अपन लोग क्या करते हैं, उसको अपन लोग पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये अपने को देखने को मिल गया, पोटेंशियोमीटर से अपन क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर से अपन लोग यहाँ पर उसका मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर से मेजरमेंट वगैरह किस तरीके से किया जाता है, क्या उसके पीछे का प्रिंसिपल होता है, तो इसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगे, है ना।
तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूं आपके पास एक पोटेंशियोमीटर का फिगर, ठीक। ठीक है, लेते जाइए ध्यान से आप। ठीक है, ये ऐसा है ना, तो देखिए आप यहां पे क्या होगा कि एक मैंने ले लिया बैटरी, ठीक है, और एक मैंने ले लिया रेजिस्टेंस। एक बैटरी ले ली, एक रेजिस्टेंस ले लिया, है ना। और यहां पर एक लगाता हूं मैं आपका अमीटर। एक क्या लगा रहा हूं मैं आपके पास, अमीटर यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होने वाला है कि देर इज टू पॉइंट, दो पॉइंट है यहां पे, ठीक है। ये ऐसा, ये जो बीच में आपके पास बना हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे स्लाइड वायर, ठीक है। तो जैसे ये आपको स्लाइड वायर दिख रहा है ना, तो ये जो है ना आपके पास चीज, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये स्लाइड वायर है आपका, ये आपका स्लाइड वायर, ताकि इसको मैं अलग कलर से बना दिया। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे स्लाइड वायर दिखने वाला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्लाइड वायर दिखने वाला है, क्लियर। ये क्या दिख रहा है आपको, स्लाइड वायर दिखने वाला है ना। यस, दिस इज हाउ योर फिगर लुक्स लाइक, है ना। तो यहाँ पे एक लगा देता हूँ बैटरी, ठीक है, ये एक बैटरी लगा दिया। यहाँ पे लगाता हूँ एक रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, ये ऐसा क्लियर। ये आपका हो गया अमीटर, दिस इज योर अमीटर, है ना। ये आपके लिए अमीटर हो गया, ठीक है। अमीटर के साथ में क्या बोलूंगा, ये इधर आ गया, ये आपके पास ऐसा आ गया, देखो ये देखने को मिला आपको पूरा फिगर, है ना। इसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। ये आपके पास हो गया गैल्वेनोमीटर, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। ये क्या है आपके पास, गैल्वेनोमीटर है। ये हो गया पॉइंट एक्स, ठीक है, ये हो गया पॉइंट वाई, ये हो गया पॉइंट एक्स, ये हो गया आपके पास पॉइंट वाई। दिस इज हाउ योर फिगर इज लुकिंग लाइक, इस तरीके से आपको आपका फिगर देखने को मिल रहा है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, ये इस चीज को अपन यहां से ऐसा कनेक्ट करते हैं, एक बार नीचे और एक बार ऊपर के साथ, ठीक है। तो ऐसा अपन लोग यहाँ पे कनेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, दिस इज हाउ वी शुड बी एबल टू डू कनेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। ये जो चीज है इसको आई कॉल इट एज व्हाट, इसको आई कॉल इट एज स्लाइड वायर, इसको आई कॉल इट एज स्लाइड वायर। ये हो गया आपके पास स्लाइड वायर के बराबर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर स्लाइड वायर, है ना। तो इसको हम लोग स्लाइड वायर बोल दिए, है ना। चलिए ऐसा बन गया फिगर आपके पास। तो उसको ये पूरा जो सेटअप है, देखो यहां से आपका बी एस बी आर दोनों मेजर हो जाएगा, एक बार इसको कनेक्ट करेंगे, एक बार इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेटअप विद पोटेंशियोमीटर, है ना। दिस इज बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट योर बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, समझ गए सब लोग, क्लैरिटी आई सबको कि चीजें किस टाइप से आपकी फर्दर यहां पे मूव कर रही हैं, क्या हो रहा है ना। ये चीजें आपको क्लियर हुई सबको, है ना।
केल्विन डबल ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस नॉट मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। केल्विन डबल ब्रिज से मीडियम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो आपको बताया जाएगा, तो भी आप केल्विन डबल ब्रिज होने का वेट करो, ठीक है, अंटिल अनलेस के टॉपिक खत्म ना हो या चालू ही नहीं हुआ है अभी तो, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन मत करो, दैट विल रिजल्ट इन टू केओस, है ना। हाँ हाँ भाई, मैराथन के फॉर्म में चल रहे क्योंकि अपने को जल्दी खत्म करना भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, जल्दी से जल्दी खत्म करना भी अपने जरूरी है, ठीक है। तो ये फिगर आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत समस्या अब तक के किसी को ऐसा लग रहा है? ठीक है, चलिए फर्दर अपन मूव करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि चीज़ें यहाँ पे कैसे काम करने वाली है, बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि जो आपका वी आर अपॉन आर होने वाला है ना, वी आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय एस, सॉरी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय एस। और आर का वैल्यू कैसा होगा, आर का वैल्यू होगा आपके पास वी आर डिवाइडेड बाय वी एस इनटू एस। तो यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन डू दैट मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। वी आर एंड वी एस आर ऑब्टेन्ड बाय पोटेंशियोमीटर, ये तो मैं आपको पहले ही आराम से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक। तो सभी को ये क्लियर है ना कि किस तरीके से अपन पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो अगला हेडिंग जो है वो मैं डालता हूं आपके पास, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, क्या केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज होने वाला है अपना नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड योर केल्विन डबल ब्रिज, ओके, व्हाट केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक। इसके अगर अपन बात करते हैं कि भाई ये केल्विन डबल ब्रिज क्या होता है, हाउ टू यूज दिस केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। आपने मैक्सवेल ब्रिज सुना है, एंडरसन ब्रिज सुना है, लेकिन किसी को भी सिंगल डबल ट्रिपल नहीं बोलते थे, तो यहाँ पे केल्विन में डबल क्यों आया ये इसके लास्ट में अपन समझेंगे, ठीक है, ये इसके लास्ट में समझेंगे। केल्विन वर्ड के साथ यहाँ पे वो डबल वाला वर्ड देखने को अपने को क्यों मिल रहा है, ठीक है, तो दैट शुड बी अंडरस्टूड टू अस, ठीक है, वो समझते हैं अपन अभी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपके पास ब्रिज का फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, केल्विन डबल ब्रिज का फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है, किसका, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक। देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ केल्विन डबल ब्रिज, लेट्स अंडरस्टैंड। कैसे बनेगा अपने पास केल्विन डबल ब्रिज वो समझना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी। चलिए केल्विन डबल ब्रिज देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
किल्विन डबल ब्रिज की बात करना शुरू करते हैं अपन। देखिए यहाँ पे एक सप्लाई दे दी बेसिक, ठीक है, और इधर बनाता हूँ सारे रेजिस्टेंस। थोड़ा सा देखने में काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको ब्रिज, बट लेट अस ट्राई आवर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा अभी ये, आप देखते जाइएगा। और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, दिस इज हाउ योर ब्रिज लुक्स लाइक। ठीक है, ये ऐसा आपको आपका ब्रिज देखने को मिल रहा है, दिस इज योर ब्रिज सर्किट। ठीक है, इसकी मार्किंग वर्किंग करूंगा अगर मैं तो देखो ये हो जाएगा पी आपके पास, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज स्मॉल पी, दिस इज स्मॉल क्यू, ये ऐसा हो गया आपके पास। ठीक है, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू। ठीक है, ये आर, ठीक है, ये एस, और ये स्मॉल आर, और ये वी, ये ऐसा बन गया आपके पास। बीच में लगा आपके पास क्या, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर जैसे मैं पॉइंट्स की बात करूं तो ये हो गया ए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए बी सी है ना, यहाँ पे मैंने आपके पास पॉइंट्स वगैरह भी मार्क कर दिया। ठीक है, पॉइंट वगैरह भी मैंने यहाँ पे आसानी के साथ आपके लिए मार्किंग वगैरह कर दी। ठीक है, तो ये आपको फिगर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन डबल ब्रिज। जैसे यहाँ पे पी डिवाइडेड बाय क्यू दिख रहा है, पी डिवाइडेड बाय क्यू, और एक दिख रहा है स्मॉल पी डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, इसको हम बोलते हैं अपर आर्म रेशियो, अपर आर्म रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर आर्म रेशियो, लोअर आर्म रेशियो। ठीक है, दिस इज योर लोअर आर्म रेशियो, क्लियर। आर इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो आर आपको दिख रहा है, आर इज योर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, आर क्या हो गया आपके पास, आर अननोन रेजिस्टेंस। एस क्या हो गया आपके पास, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, और स्मॉल आर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आर जो बीच में लगा है आपके पास, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट और लीड रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट और लीड वायर रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट और लीड वायर रेजिस्टेंस, दिस इज हाउ दिस थिंग्स लुक लाइक। ये ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, ये ऐसा आपको देखने को मिल गया, क्लियर। सभी को दिखा ये फिगर है ना, तो ये फिगर आप सभी को दिखना चाहिए है ना।
ठीक है भाई, ये फिगर आपको यहां तक का क्लियर रहे, केल्विन डबल ब्रिज का फिगर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज फिगर ऑफ योर केल्विन डबल ब्रिज, है ना, उसको हम बोलेंगे केल्विन डबल ब्रिज का फिगर है ये, ठीक है। किसका फिगर देखने को मिल रहा है आपको, केल्विन डबल ब्रिज का, है ना। ठीक है, बताएं भाई। ठीक अब भाई अपने को करना है बेसिकली इसको सॉल्व, ठीक है। इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक। तो आई विल जस्ट मार्क फ्यू मोर पॉइंट्स, दिस इज लाइक पॉइंट नंबर सी, दिस इज लाइक पॉइंट नंबर डी, ठीक है। अभी देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है ब्रिज बैलेंस का, ब्रिज बैलेंस में कुछ जब समझ में ना आए तो एक चीज अपने को मान के चलना है, वो क्या होता है कि अगर अगर ब्रिज बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, है ना, अगर ब्रिज बैलेंस की हम जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होगा, तब आप जाके आपका ब्रिज क्या होगा, तब जाके ब्रिज आपके पास बैलेंस हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर करंट कैसा हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर करंट आपके लिए जीरो के बराबर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, गैल्वेनोमीटर करंट विल बी नथिंग बट इक्वल टू जीरो। तो मैं इस करंट को जीरो मार्क करता हूं क्योंकि मैं ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे बात करने वाला हूं, दिस इज योर जीरो एम्पियर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से आप करंट फ्लो होने दो I1, ये यहां से आप करंट फ्लो होने दो I1, और यहां से आप करंट फ्लो होने दो I, ठीक है। तो एक जगह दिख गया आपको I1, एक जगह आपको दिख रहा है I, ठीक है। यू आर एबल टू सी I1 एंड I, ठीक है। अब देखो अगर यहां पे I1 और I बोल रहे हैं, है ना, तो यहां से करंट निकल कितना रहा होगा, यहां से करंट निकल रहा होगा I प्लस I1। यहां से कितना निकल रहा होगा आपके पास, यहां से करंट निकल रहा होगा आपका I प्लस I1 के बराबर, ठीक है। ये ऐसा हो गया I1 और आपका I, ठीक है। ये ऐसा आपने को देखने को मिल गया। अब अगला मैं क्या बोलूंगा आपके पास, अगला देखिए आप, क्योंकि ये करंट यहां से जीरो है तो ये I1 इधर तो जाएगा नहीं, इधर तो ये I1 हो जाएगा, ये इधर आपका I1 हो जाएगा। अब देखो ये I जो है, ये I क्या करेगा, ये I डिवाइड करेगा आपका R में, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां से मान लो आप करंट I2, है ना, तो यहां से कितना जाएगा, यहां से जाएगा करंट ये ऐसा I माइनस I2, ठीक है। ये कैसा जा रहा है, ये जा रहा है आपके पास करंट I माइनस I2, ठीक है। ये ऐसा आ गया आपके पास क्या, I माइनस I2।
टू, तो देखो ये आपको ऐसा देखने को मिल गया। अरे वो यहाँ से भी करंट कितना जाएगा, आई जाएगा है ना, और देखो ये आई प्लस आई वन निकल जाएगा यहाँ से, ये आई प्लस आई वन निकल जाएगा यहाँ से। तो उस तरीके से मैंने पूरी मार्किंग कर दी। और ये मार्किंग कब की है, ये मार्किंग आपके पास बैलेंस कंडीशन की मार्किंग है। ये मार्किंग कब की दिख रही है आपको, ये मार्किंग आपको दिख रही है यहाँ पे बैलेंस कंडीशन की, ठीक है, बैलेंस कंडीशन की। ठीक, अब देखो थोड़ा केवीएल केवीएल खेलते हैं और निकालते हैं अननोन की वैल्यू, ठीक है, जितना भी अपने से हो पाता है थोड़ा केवीएल केवीएल खेल के हम निकालते हैं यहाँ से अननोन की वैल्यू, ठीक है। अपन ट्राई करते हैं कि अपन लोग क्या कर पाए, अपन लोग यहाँ पे अननोन की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट कि अपन अननोन की क्या करें, वैल्यू निकालें। देखिए आप, एक मैं लगाता हूँ केवीएल आपके पास, ये इधर है ना, पाथ देखिए आप है ना, पाथ को ध्यान से देखिए। देखो यहाँ से अपन मूव करेंगे, ये ऐसा घूमेंगे, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा अपन, सॉरी, ये ऐसा, इतने में वापस अपन, ठीक है, ये अपन लोगों ने केवीएल लगाने के लिए पाथ ढूंढा, ठीक। तो कैसा होगा ये अप्लाइंग केवीएल, क्या हो गया भाई इसको अप्लाइंग, अप्लाइंग केवीएल, ठीक है। बस आई वन इंटू पी, आई वन इंटू पी, ठीक है, उसके बाद माइनस आई टू, माइनस आई टू इंटू स्मॉल पी, ठीक है, फिर माइनस आई इंटू आर विच इज इक्वल टू 0। ये आपको केवीएल देखने को मिल रहा है, दिस इज योर केवीएल, दिस इज योर केवीएल दैट यू आर एबल टू सी, है ना, ये आपका केवीएल दिख रहा है। ठीक है, ये एक और देखते हैं केवीएल है ना, वही वाले पाथ पे देखो, ये ऐसा ये हो जाएगा आई वन इंटू क्यू, आई वन इंटू क्यू, ठीक है, ये अपने को दिख रहा है आई वन इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे ना एस है एक्चुअली, कहो नहीं यहाँ पे कहाँ चल दिया, पीछे वाले फिगर में है क्या, यहाँ पे एक एस है एक्चुअली, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एस है, ठीक, देखिए तो जाएगा माइनस आई इंटू एस माइनस आई टू इंटू क्यू, ये आपको देखने को मिल गया, दिस इज वॉट यू आर एबल टू सी, है ना। और अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इंटरनल आर्म को देखो आप, है ना, तो इंटरनल आर्म में देखो क्या होने वाला है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना।
केवल मैं ना वो इंटरनल आर्म बना दिया, केवल मैं क्या कर दिया, केवल मैं इंटरनल आर्म बना दिए, ये देखो एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये पहली टर्म तो आर है, ये आपका आर हो गया, ठीक है। फिर ये आपका स्मॉल पी, ये आपका स्मॉल क्यू, ये आपका आर, ये आपका एस, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया आई, दिस इज नथिंग बट आई, ठीक है। ये ऐसा हो गया, यहाँ से आपका I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है आपके पास I2 फ्लो कर रहा है, दिस इज I2, है ना। ये फिगर सब लोग समझ गए होंगे कैसे बनाया है मैंने, ये आपके पास I2 हो गया, दिस फिगर इज व्हाट, दिस फिगर इज नथिंग बट योर I2, सिंपली I2, है ना। सिंपली इसको मैंने क्या बोल दिया, सिंपली इसको मैंने I2 बोल दिया, ठीक। ये ऐसा, ये फिगर आपका I2 हो गया, क्लियर। अभी आप ऊपर के दो केवीएल देखो तो उसमें कॉमन टर्म क्या है, एक तो आपको आई दिख रहा है लेकिन आई टू भी आपको दोनों में दिख रहा है। तो अगर मैं आई टू को, सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, अगर मैं आई टू को लिख दूं, है ना, भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम केवल दिख रहा है टी, है ना, तो नेटवर्क थ्योरी खत्म हो चुका है, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी खत्म हो चुका है ना। मैराथन सेशन में आप शायद देखे नहीं हूं, तो एक बार जस्ट चैनल पे स्क्रोल डाउन करोगे आप तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा चीज, ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लगा रहा हूं एक करंट डिवीजन रूल I2 का वैल्यू लिखने के लिए। I2 का वैल्यू आएगा कितना, I2 का वैल्यू आएगा I मल्टीप्लाइड बाय, I2 का वैल्यू विल बी I मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R, ये ऐसा आ गया आपका करंट डिवीजन रूल के हेल्प से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, है ना। अब देखिए इसको मैं है ना ये ऐसा लाता हूं, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, ठीक। I1 times of P is equal to I2 times of P plus I times of R or I1 times of Q is equal to I2 times of Q plus I into S. This is how this number looks like. ये number आपको इस तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। This is how your this particular नंबर लुक्स लाइक, ऐसा आपके लिए ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है, नंबर में आपके लिए लिख दिया ये वाला। इस नंबर को अगर आप ध्यान से देख पाओ, इस नंबर को आप क्या करो, इस नंबर को आप अगर ध्यान से यहां पे देख पाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आई टू का एक नंबर था मेरे लिए, है ना, ये देखो इसको मैं लाता हूं, क्लियर। ये ऐसा, अब देखो I2 को आप सब्स्टिट्यूट करो तो दिस इज I1 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू I इंटू R डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R प्लस I मल्टीप्लाइड बाय आर और आई वन टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू, यहां पे पी भी आएगा, है ना, क्योंकि ये पी मल्टीप्लाई करना भूल गए अपन, और यहां पे हो जाएगा आई इंटू आर और क्यू तो यहां पे था ही, डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आई इंटू एस, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों को आप क्या कर दो, दोनों को आप कर दो डिवाइड, ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप कर दो आंख बंद करके डिवाइड, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को पूरा डिवाइड डिवाइड करके जब आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड डिवाइड करके आप कर लोगे सॉल्व, तो क्या होगा,
अब सॉल्व आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से, ठीक है। तो दोनों को जब आप कर लोगे सॉल्व तो क्या आएगा ये आपके पास, आपको मिलेगा वैल्यू किसका, आपको मिलेगा आर का वैल्यू। आर क्या था आपके लिए, अननोन वैल्यू। आर क्या था आपके पास, अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू आपको मिलेगा बराबर पी एस डिवाइडेड बाई क्यू, पी एस डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस स्मॉल पी डिवाइडेड बाय, ये ऐसा आ गया आपका एक्सप्रेशन। दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ अननोन नंबर। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा आपका अननोन नंबर, दिस इज योर अननोन नंबर। क्लियर? ये आपको अननोन नंबर देखने को मिल गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी बताता हूँ मैं आपको कि भाई डबल कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपके लिए कर दिया। पूरे तरीके से मेजरमेंट परफॉर्म, ठीक है। आई विल टेक वन मोर सेशन ऑन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सो दैट अपना मीडियम और हाई भी कवर हो जाए। ओके तो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू। ये ब्रिज कैसा बिहेव करता है, ये ब्रिज बिहेव करता है केल्विन ब्रिज जैसे, ठीक है। बट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन क्यू। ये ब्रिज कैसा बिहेव करता है, ये ब्रिज बिहेव करता है आपके लिए बीट स्टोन ब्रिज जैसे। तो एक ब्रिज आपको दो बिहेवियर दिखाता है, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कारण इसको हम लोग बोलते हैं बीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हाट वी कॉल इट एज बीट स्टोन ब्रिज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको अपन लोग नाम देते हैं आपका बीट स्टोन ब्रिज। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो चलो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया बढ़िया से, है ना। तो इसका आपको बढ़िया आइडिया रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 12 बजे अपन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म के साथ। आई विल टेक टू मोर सेशंस और वन मोर सेशन ऑन दिस मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके।